दिखा दी ना अपनी औकात, लूट मार करते हुए कम से कम बुजुर्गों का ही ख्याल कर लिया करो। एक बूढ़े आदमी की पेंशन छीनते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? पेंशन? किसकी पेंशन? कौन सा आदमी? तू बात किसकी कर रही है? ज्यादा नाटक ना करो मेरे साथ। तुमने अब्बू जी की पेंशन छीनी है, हमारा घर तो तुम हमसे खाली करवा नहीं सके, तो तुम्हें लगा तुम हमें इस तरह से तंग करोगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से हम घर छोड़कर चले जाएंगे? भूल है ये तुम्हारी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक महीना भूखे रहकर गुजारना होगा ना? गुजार लेंगे, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ सकते हो तुम? क्या बकवास कर रही है, मैं तेरे बाप की पेंशन क्यों छीनने लगा? बात सुन, मैं चोर नहीं हूँ, समझी? मेहनत करके कमाता हूँ, मेहनत करके। मेहनत वो लोग करते हैं जो हलाल कमाते हैं। तुम जैसे जालिम लोग कमजोरों से उनकी हलाल की कमाई भी छीन कर चले जाते हो। तुम लोगों ने कभी सोचा है जो तुम्हारे लिए चंद लम्हों की अय्याशी है, उस पर कई जिंदगियों का पूरे महीने का इंतजार होता है? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। पेंशन के सदमे में ना तू अपने होशो आवाज खो बैठी है। मैं पागल हो गई हूँ और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? भी अपने अंदर झांक कर देखो। लूट मार करने को तुम बहादुरी समझते हो? ये बहादुरी नहीं, बुजदिली है। लूट का माल खाने से बेहतर है इंसान जहर खा ले। तुम भी एक दफा जहर खा लो ताकि तुम्हें भी सुकून आ जाए और हम जैसे लोगों को भी। गरीबों का माल लूटते हुए ना तुम लोगों का दिल लरसता है, ना तुम लोगों के हाथ कांपते हैं। तुम लोगों की वजह से किसी का दिल बंद हो जाए, तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग ना सिर्फ बेहिस हो बल्कि बेगैरत भी हो। अगर तेरे मुंह से अभी एक लफ्ज भी निकला ना, तो याद रखियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हराम तुम खाते हो, डरना तुम्हें चाहिए लोगों से भी और उनके रब से भी। और क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे कोई खैर की उम्मीद भी नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना कि महामनायत अली तुम जैसे गुंडे से डरेगी।